अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेडी टू कुक। आज मैं आपको बेलगिरी का मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी। मैंने इससे पहले आपके साथ बेलगिरी की बहुत सी रेसिपीज शेयर की हुई हैं, बेलगिरी का हलवा और बेलगिरी के मिल्क शेक्स। तो आज हम बेलगिरी की स्वीट डिश बनाएंगे। बेलगिरी का मुरब्बा बहुत ही मजे का होता है और हेल्दी होता है, तो इजी सी रेसिपी है। बेलगिरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमने बेलगिरी ली है, ये देखें, एक मैंने इस तरह की मीडियम साइज की बेलगिरी ले ली है। अब हम इसको तोड़ लेंगे। मैंने पहले भी आपको वीडियोज में इसको तोड़ना सिखाया था, आज भी दिखा दूंगी कि आपने इसको किस तरह से तोड़ना और अंदर से हम इसका गूदा निकाल लेंगे। चीनी ली है मैंने 1 कप और बस मुझे यही दोनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे और हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से हम बेलगिरी का मुरब्बा बनाएंगे और बनेगा भी बहुत मजे का। तो सबसे पहले हम बेलगिरी को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हथौड़ा ले लिया है और साथ में ये बेल ले लिया है। तो अब इसे हथौड़े की मदद से इस तरह से आपने हथौड़े मारने हैं और एक ही जगह पे आपने नहीं मारने, आपने इसको साथ साथ घुमाते जाना है और साथ साथ हैमर की मदद से इसको तोड़ते जाना है। ये देखें, इस पे क्रैक आ गई है। ये देखिए, मैंने इसको खोल लिया है, ये अंदर से इस तरह का होता है। अब मैं इसको छुरी या चम्मच की मदद से अंदर से इसका गूदा जो है निकाल लूंगी और इसके छिलके को फेंक दूंगी। छुरी ले ली है और अब मैं इसको छुरी की मदद से इसे निकाल लूंगी। ये इसके साथ बिल्कुल साथ लगा हुआ है और इसमें थोड़ा सा है, इसलिए मैं ये कोशिश करूंगी ये थोड़ा साबुत ही निकल आए, क्योंकि हमने इसके पेस्ट का नहीं बनाना, क्यूब्स का बनाना है। मैं बड़े बड़े पीस करके इस तरह बनाऊंगी। इसके पल्प का भी कुछ लोग मुरब्बा बनाते हैं, लेकिन मैं अब इसके क्यूब्स करके, इसके पीस करके उनका मुरब्बा बनाऊंगी जिस तरह से आम मुरब्बा बनता है। तो ये जो इसके छिलके के साथ थोड़ा सा लगा हुआ था, ये इस तरह से निकल रहा है, तो इसको मैं रख दूंगी, इसका हम शेक वगैरह बना लेंगे। इसके ये जो आपको सामने सामने बीज नजर आ रहे हैं, ये आप निकाल के फेंक दें, हम मुरब्बे में बीज नहीं डालेंगे। ये देखें, इसके बीज बहुत स्टिकी होते हैं, तो आपने इनको आराम से निकालना है और जो सामने सामने आपको नजर आ रहे हैं, जितने कोशिश करें आप निकाल सकते हैं, निकाल के फेंक दें। तो मुझे इसके सामने सामने जितने बीज नजर आ रहे थे वो मैंने निकाल लिए हैं, अब हम इसको काट लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लूंगी। इसके भी हम इसी तरह पीस कर लेंगे। ये छिलका, इसका ध्यान से आपने देखना है, छिलका नहीं अंदर डालना, ये बहुत सख्त होते हैं। देखें, काफी हाथों के साथ चिपक रहा है, इसको भी मैं इतने पीसेस में कर लूंगी। इसका ये जो बचा हुआ अंदर से इसका गूदा है वो भी मैं इसी तरह निकाल लूंगी। तो इसमें जितने भी हमें सामने सामने बीज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये छोटे पीसेस हो गए हैं, तो इसमें से हमने सारे बीज निकाल के फेंक देने हैं।
ये देखें फाइनली मैंने सारी बेलगिरी को निकाल लिया है। ये एक्चुअली ज्यादा पकी हुई थी, इस वजह से इसके बहुत ज्यादा फाइन क्यूब्स नहीं बने। अब हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। सबसे पहले कोई पैन या सॉस पैन ले लें और इसमें हाफ ग्लास पानी का डाल दें, इसमें चीनी भी डाल दें, फ्लेम ऑन कर दें, हिला लें इसको और चीनी के मेल्ट होने तक इसे पका लेना है। इसको साथ साथ आप हिलाते जाएं। ये देखें मैंने इसको चलाते हुए पकाया था तो चीनी सारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें उबाल आने तक पकाना है आपने इसे। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी इसमें उबाल भी फौरन आ जाएगा। अब हमने इसमें बेलगिरी डाल देनी है। मिक्स कर लें इसको। तकरीबन हमने इसको 15 मिनट तक पकाना है ताकि इसका जो शुगर सिरप है वो भी थिक हो जाए और साथ में बेलगिरी भी नरम हो जाए। और 15 मिनट तकरीबन हम इसे पकाएंगे तो इसका मुरब्बा तैयार हो जाएगा। वक्फे वक्फे से आप इसको हिला लें ताकि नीचे ना लग जाए। ये देखें मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट पकाया था और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। देखिए तो अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें बेलगिरी का मुरब्बा तैयार है। मैंने इसे ठंडा किया था उसके बाद बॉल में निकाला है। आपने भी ठंडा करने के बाद इसे डिश आउट करना है। और बेलगिरी का मुरब्बा ये देखें बहुत ही मजे का बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बेलगिरी के खुद भी बहुत फायदे होते हैं, इसीलिए मैं बेलगिरी की रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जिन लोगों का पेट खराब होता है, कब्ज होती है या कमर जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए बहुत मुफीद होता है। बेलगिरी के मुरब्बे को आप एक साल तक महफूज करके रख सकते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर मैं आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी बेलगिरी की बाकी रेसिपीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। और मेरे चैनल को एक दफा विजिट जरूर करें। एक नई रेसिपी लेकर आती हूँ ऐसी ही मजेदार। अलाफेज।